टॉप 3 लैपटॉप अंडर 20,000। गाइस आज के समय में अंडर 20,000 लैपटॉप लेने की बात करें तो बहुत ही कम गिनो चुनो ऑप्शन बचे रहते हैं, जिससे इंसान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में आप लोग के सभी कंफ्यूजन को दूर करने के साथ साथ तीन ऐसे लैपटॉप बताने वाला हूँ जो अंडर 20,000 सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जरूरी बातों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से करना चाहूंगा एक छोटा सा गुजारिश, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के समय में अंडर 20,000 लैपटॉप लेना सही है या फिर नहीं, सबसे पहले बात करें किन किन चीज़ों के लिए इन लैपटॉप को लिया जाता है। सबसे पहले कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्टडी के लिए, दूसरा कोई छोटे मोटे लाइट ऑफिस वर्क के लिए। लेकिन आज मैं जिन लैपटॉप के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ उसमें आप लोग लाइट गेमिंग लाइट एडिटिंग लाइट कोडिंग और ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। गाइस थर्ड नंबर पर है अविता पूरा E14 और इसका करंट प्राइस 20,990 रुपये है। अगर आप लोग फेडरल बैंक के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप लोग को 1500 का एडिशनल डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आप लोग को 14 इंचेस का HD डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मिल जाता है। विंडो 10 होम आप लोग को इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। और अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, इसमें आप लोग को DDR4 का 4GB का रैम और 128GB का SSD स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, इसमें आप लोग को AMD का APU डुअल कोर A6 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 2.8 GHz है। इसमें आप लोग को AMD रेडियन A6 इंटीग्रेटेड ग्राफिक मेमोरी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसके वेट एंड डिजाइन की, इसका वेट 1.3 kg है और इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है। इसमें आप लोग को सभी रिक्वायर्ड पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इसका बैटरी बैकअप अप टू 6 आवर का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस लाइट एडिटिंग लाइट गेमिंग लाइट कोडिंग इन सब पर्पज के लिए इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड लैपटॉप है अविता स्टेटस अल्टीमस और इसका करंट प्राइस 19,990 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आप लोग को 14.1 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मिल जाता है। विंडो 11 होम आप लोग को इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। और अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, इसमें आप लोग को DDR4 का 4GB का रैम और 128GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, इसमें आप लोग को इंटेल सेलोरॉन N4020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 2.8 GHz है। इसमें आप लोग को इंटेल USD600 का ग्राफिक मेमोरी कार्ड भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके वेट एंड डिजाइन की, इसका वेट 1.3 kg है और इसे थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है। इसमें आप लोग को सभी रिक्वायर्ड पोर्ट्स मिल जाएंगे और बैटरी बैकअप अप टू 8 आवर का आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लासेस ऑफिस वर्क बिजनेस वर्क लाइट एडिटिंग लाइट गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट लैपटॉप है लिनोवो आइडियापैड स्लिम वन और इसका करंट प्राइस 21,640 रुपये है। अगर आप लोग फेडरल बैंक के कार्ड से पेमेंट करते तो आप लोग को यहाँ पर 1500 का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आप लोग को 11.6 इंचेस का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो मिल जाता है। विंडो 11 होम आप लोग को इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। और अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, इसमें आप लोग को DDR4 का 4GB का रैम और 256GB का SSD स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, इसमें आप लोग को इंटेल सेलोरॉन N4020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी स्पीड 2.8 GHz है। और अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप और इसके डिजाइन की, इसको थीन एंड लाइट डिजाइन किया गया है और इसका बैटरी बैकअप अप टू 8 आवर दिया गया है। तो ये थे टॉप 3 लैपटॉप अंडर 20,000। इससे बेटर लैपटॉप अंडर 20,000 आप लोग को नहीं मिल सकता। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लैपटॉप का लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।